दोस्तों, घूमना फिरना किसको पसंद नहीं। हर कोई नई नई जगहों पर जाना पसंद करता है। लेकिन जब हम कहीं घूमने जाने के बारे में सोचते हैं, तब हमारे मन में पहला सवाल ये आता है कि जाएं तो जाएं कहाँ। जब हम इसके बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं, तब एक दोस्त किसी जगह की प्रशंसा करता है तो दूसरी उसकी आलोचना, जिससे हम उन जगहों के बारे में जाने में अपना निर्णय लेने में बहुत दुविधा में रहते हैं। अक्सर हम गर्मियों में तो किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना भी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में कहाँ जाएं? अगर इसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप अपने मन को उन जगहों पर जाने से नहीं रोक पाओगे। ऐसी ही जगहों में से एक है थाजीवास ग्लेशियर। दोस्तों, अगर आप स्केटिंग के शौकीन हैं, तो थाजीवास आपके लिए बहुत ही सही जगह है। थाजीवास जम्मू और कश्मीर राज्य के गांधरबल जिले के सोनमार्ग, जो कि जम्मू और कश्मीर का बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है, से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थाजीवास ग्लेशियर दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह सर्दियों के मौसम में बर्फ की चादर से पूरी तरह से ढक जाता है। बर्फ की चादर से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर पर जब नीले आकाश से आने वाली सूर्य की चमकीले किरणें पड़ती हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि आप चांदी के बने पहाड़ों के बीच में आ गए हों। एक तरफ बर्फ से भरे पहाड़ हैं, तो वहीं ग्लेशियर से नीचे आने पर ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़ों और हरी हरी घासों से भरी छोटी बड़ी पहाड़ियां और घास के मैदान आपका मन मोह लेंगी। अगर आप बर्फबारी, स्लेज राइड्स, स्नोबोर्डिंग और स्काइंग का मजा लेना चाहते हैं, तो थाजीवास ग्लेशियर आपके लिए बहुत ही उत्तम जगह है। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। डलहौजी खाजियार। डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर हिमालय की आंचल में बसा एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के साय में 5 पहाड़ियों पर बसा है यह शहर। चीड़ और देवदार के ऊंचे वृक्ष हरे रंग के अलग अलग शेड दर्शाते हैं, जिन्हें छूकर आती सुहानी हवा आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यही शीतल जलवायु गर्मियों में सैलानियों को अपनी ओर खींचती है, तो सर्दियों में चारों ओर फैली हिम चादर उन्हें मोहित करती है। प्रकृति के इस अनूठे सौंदर्य से प्रभावित होकर अंग्रेज वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने सन 1853 में पोटिरसन, कठलोश, टेहरा, बकटोरा और बलून पहाड़ियों को चंबा के राजा से खरीद लिया था, और इसके बाद इस शहर को डलहौजी के नाम से बसाया गया था। दोस्तों, दिसंबर से जनवरी के बीच जब यहाँ बर्फ गिरती है, तब यहाँ का दृश्य बड़ा ही अद्भुत मनोहर हो जाता है। देवदार के पेड़ों के शिखर और पत्तियों पर जमी बर्फ देखते ही बनता है। दोस्तों, अगर आप बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, तो सर्दियों में यहाँ जरूर जाएं। द्वाकी रिवर, शिलोंग। दोस्तों, आपने कभी ना कभी नाव की सवारी तो की ही होगी, मगर कभी उड़ते हुए नाव की सवारी की है? नहीं ना? चलिए, आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताते हैं जहां नाव नदी पर तैरती नहीं बल्कि उड़ती है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय दुनिया के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। वहां के प्राकृतिक नजारे और वातावरण की स्वच्छता हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मेघालय में प्रदूषण का नामो निशान तक नहीं है। वहां भरपूर हरियाली के साथ साथ वातावरण भी बिल्कुल साफ रहता है। मेघालय की नदियां इतनी साफ हैं कि इन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मेघालय में एक ऐसी ही जगह है देवकी, जहां का प्राकृतिक नजारा देखने लायक होता है। देवकी शहर से निकलने वाली उमंगोट नदी का पानी इतना साफ है कि इस नदी में नाव चलती नहीं बल्कि उड़ती है। आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। देवकी, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग से 95 किलोमीटर की दूरी पर है और बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पानी बेहद साफ और पारदर्शी है। आप इस नदी के पानी के आर पार इसके तलहटी को बड़े आसानी से देख सकते हैं। मानो आप किसी नदी के पानी में नहीं बल्कि किसी कांच के आर पार देख रहे हो, जिस कारण उमंगोट नदी में जब कोई भी नाव चलती है तो वह तैरती हुई नहीं बल्कि उड़ती हुई दिखती है। दोस्तों, अगर आप प्रकृति के इस अद्भुत नजारे का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार यहां अवश्य जाएं। हैवलॉक्स जिम,
राधानगर बीच। राधानगर बीच भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर बीचों में से एक है। टाइम्स मैगजीन ने राधानगर बीच को एशिया का सबसे सुंदर बीच और विश्व का सातवां सबसे सुंदर बीच का दर्जा दिया है। अंडमान एंड निकोबार में स्थित यह समुद्र तट अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित हैवलॉक आइलैंड पर है। यह तट अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह वास्तव में पूरी तरह से रंगीन नीले पानी के साथ सफेद रेत का एक अविस्मरणीय स्थल है जो अपने हरे भरे वन क्षेत्र और प्राकृतिक घटाओं के लिए जाना जाता है। जहां एक तरफ अंतहीन गहरे नीले समुद्र का अविस्मरणीय दृश्य है तो वहीं दूसरी तरफ हरे भरे वृक्षों की हरियाली आपका मन मोह लेगी। दोस्तों इसके अलावा आप अंडमान के रॉस और स्मिथ द्वीप, सेलुलर जेल, माउंट हैरियट एंड मधुबन, राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सी वॉकिंग एट नॉर्थ बाय बीच, महात्मा गांधी मेमोरियल नेशनल पार्क, दिगलीपुर रॉस आइलैंड और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार घूम सकते हैं। कच्छ का रण। चांद के रोशनी में ऊंट की सवारी का आनंद लेना हो तो चले आइए गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। 7505 वर्ग किलोमीटर में फैला यह सफेद नमक का रेगिस्तान अपने रण उत्सव के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ विदेशी सैलानी रण उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। नमक की बहुलता वाले इस क्षेत्र में रात में रेगिस्तान सफेद रेगिस्तान में बदल जाता है। यहाँ आकर आप खुली हवा में कल्चरल प्रोग्राम का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान चांदनी रात में गुजरात के स्वादिष्ट रेसिपी का आनंद लेना अपना ही मजा है जिसे यहाँ आकर ही लिया जा सकता है। दोस्तों यह रण उत्सव 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और 15 से 20 फरवरी तक चलता है। यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ पर्यटकों के लिए टेंट बनाया जाता है और उनके ठहरने की सारी सुख सुविधा का इंतजाम इन्हीं टेंटों में होता है। आप भी अपने बजट के अनुसार अपना टेंट www.ranutsavonline.com से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इस उत्सव में भाग लेने वाले पर्यटकों को पहले दिन भुज के पास हमीरसर लेक के किनारे आयोजित कार्निवल की सैर कराई जाती है जो यहाँ की संस्कृति को समझने एवं जानने का बेहतर अवसर प्रदान करती है। दूसरे दिन रण सफारी का रोमांच तथा चांदी रात में चमकते दुधिया रण में आयोजित होने वाले लोक संगीत एवं लोक नृत्य का आनंद उठाते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा हस्तशिल्प के कलाकारों को अपने घरों में काम करते देखना हर सैलानी को बरबसी अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में ढोलावीरा जहाँ हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है, वहीं धार्मिक स्थलों में भगवान शिव को समर्पित नारायण सरोवर, कटेश्वर मंदिर, माता नोमांद, थान मोनेस्ट्री तथा लखपत किला प्रसिद्ध है। काला डूंगर से रण का दृश्य देखते ही बनता है तथा पहाड़ी पर स्थित दत्तात्रेय मंदिर से सायंकाल की आरती के बाद पुजारी की आवाज पर सैकड़ों की संख्या में सियारों का दौड़ कर आना पर्यटकों को अचंभित भी करता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।